मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिचवार शहर के बाकर इलाके से पति पत्नी की रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। ये खबर सामने आने के बाद लोग सुनकर हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार 30 साल की आयु के उपेंद्र बल बहादुर होड़के ने ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले ये पति है जो नेपाल का रहने वाला है, तो इसकी वाकड़ इलाके के अली शान सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, जो अपनी 28 साल की पत्नी के साथ रहता था। जहां उपेंद्र को अपनी पत्नी को लेकर शक था कि पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, इसी वजह से उपेंद्र ने अपनी पत्नी की गुप्तांग पर ताला लगा दिया। इस पति के इस हरकत के दौरान पत्नी दर्द से चिल्ला रही थी, बिलबिला रही थी, लेकिन हैवान पति उपेंद्र को उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। गुप्त अंग पर ताला लगाने के बाद भी पति के इस हरकत को पत्नी ने 3 दिनों तक सहन किया, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी अपने रिश्तेदारों को बताई। तभी रिश्तेदारों ने उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। जब पति की यह हरकत पत्नी पर इलाज करने वाले डॉक्टर ने देखी तो उसकी भी रूह कांप गई, जिसके बाद की गई सर्जरी में पत्नी को बेहोश करके डॉक्टरों ने ताला निकाला। पति के द्वारा की गई इस घिनौनी हरकत को लेकर पीड़ित पत्नी के परिवार वालों ने पति के खिलाफ वाकड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद वाकड़ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हैवान पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर निर्वृत्ति कुलहटकर ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। सर, अत्यंत हिंसक असा एक प्रकार घडला आपल्या पुलिस स्टेशनमध्ये आणि संबंधित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, काय कारण? दिनांक 11/5/2024 रोजी वाकडे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये एक कुटुंब राहतं, त्या कुटुंबामध्ये पती पत्नी आहेत। पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय करून तिच्या प्रायव्हेट पार्टवर इजा करून तिला जखमी केलेलं होतं, आणि त्या अनुषंगाने वाकड पोलीस ठाण्यामध्ये 326, 323 आणि 504 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। त्या गुन्ह्यामध्ये तो पती आहे तिचा, त्याला अटक करण्यात आलेली आहे।